महुआ में 3 दर्जन से अधिक परिवार के लोग जिल्लत की जिंदगी जीने को मजबूर। वैशाली से कौशल किशोर सिंह की रिपोर्ट। वैशाली जिले के महुआ नगर परिषद क्षेत्र में एक्सिस बैंक की शाखा के नजदीक एक ऐसी बस्ती है जहां 3 दर्जन से अधिक परिवार के लोग जिल्लत की जिंदगी जीने को मजबूर है। उन्हें घर से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इस समय उनके चारों ओर पानी भरा हुआ है। बगल से गुजर रही बाया नदी की पानी अपनाई हुई है जिसके कारण पानी उनके घर के आंगन तक भरा हुआ है। इसी में वे लोग महीनों से किसी तरह जिंदगी काट रहे हैं। आस्था नहीं है। रीना देवी, जय कैला देवी, विभा देवी, विनीता देवी, संजू देवी, अहिल्या देवी, पार्वती देवी, गंगा देवी, प्रेम देवी, काजल देवी, संजू देवी, अहिल्या सिन्हा आदि महिलाओं ने बताया कि उनके सामने विकट समस्या खड़ी है। यहाँ 1 दर्जन लोग काफी बीमार पड़े हुए हैं जिन्हें कोई देखने वाला भी नहीं है। वे चाहकर भी इलाज कराने के लिए अस्पताल या डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते हैं। कोई डॉक्टर ही वहां नहीं पहुंच सकते क्योंकि पानी इतना काफी भरा है कि उनकी जान भी खतरे में है। वहां के स्थानीय पीड़ित दीपक कुमार, सुमन कुमार, संजीव कुमार, मुकेश कुमार, नंद किशोर मतो, विनोद मतो, प्रमोद मतो, मनीष कुमार मतो, रामादेफी, सुरेंद्र राय, योगेंद्र प्रसाद, देवी कुमारी, रॉकी कुमार आदि दर्जनों लोगों द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आवेदन देकर अवगत कराया कि उन लोगों का जान काफी खतरे में है। स्थानीय प्रशासन व पदाधिकारी से जल्द सरकारी सुविधा मुहैया कराई जाए, लेकिन महीनों बीतने के बावजूद भी अभी तक कोई पदाधिकारी या प्रशासन सुधी लेने नहीं पहुंचे हैं। और चारों तरफ से पानी घेरे हुए है। हम लोग बाल बच्चा, हमारा स्कूल नहीं जा रहा है, न आगे बढ़ रहा है। हम लोग एक जगह पर बंद है। सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि इस पर कार्रवाई करें और रास्ता का कोई व्यवस्था करें, अन्यथा हमको बाध्य होकर सरकार के विरुद्ध में आगे करना होगा कार्रवाई। हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं है, हम लेडीज है, चारों बीमार है, तबीयत खराब है। ना डॉक्टर कर जा सकते हैं, ना आ सकते हैं, ना डॉक्टर कोई हमारे यहाँ आ सकता है। कोई इलाज नहीं हो रहा है। चारों तरफ से पानी है, ना खाने का साधन है, ना दवा लाने का साधन है। हम लोग कैसे निकले, कैसे जाए बाहर से। आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। बीमारी के होए बीमारी के लिए भी बड़ा दिक्कत होता है। ले जाने का रास्ता नहीं है, सब तरफ से पानी घिरा हुआ है, सब देख रहे हैं। क्या किया जाए, घर में पानी घुसा हुआ है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हर जगह दरखास्त दिया गया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम। देखिए, इस महिला को कितने दिनों से बीमार ग्रसित हैं, लेकिन इनको डॉक्टर से दिखवाने के लिए कहीं भी जाने आने की रास्ता नहीं है। बाया नदी तो चारों पट्टी से पानी से घिरा हुआ है। जो प्रॉब्लम हो बता बोला। पटना से इलाज चलैया, दवा बेगर कम गिर गई। 5 महीना हो गए, 5 महीना से रोड छिकले है एकदम, कहीं नयाल पार लगैया। बहुत ही दिक्कत है, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ले चलते हैं दूसरे घर पे, जो देखिए इनके भी दूरा पर पानी लगा हुआ है, और इन चलते हैं, देखते हैं इन महिला का क्या दिक्कत है। ये हमारा दूसरा घर की प्रॉब्लम हम आपको बताते हैं। देखिए, इस महिला को तबीयत खराब हो जाने के कारण न ये डॉक्टर के यहाँ जा सकते हैं और न ही ये इलाज के लिए डॉक्टर यहाँ आ सकता है। पूछते हैं इनसे, बोलिए क्या दिक्कत है। मैं 1 सप्ताह से बीमार हूँ। चारों पट्टी पानी के कारण न हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं और न डॉक्टर यहाँ इलाज के लिए आ सकते हैं। चलो पूछते हैं इनका क्या राय है। आप बताइए कि आपको यहाँ क्या अनुभव हो रहा है, ये
माया नदी जो उफान पर है और चारों पट्टी से घिरा हुआ है, आप लोग कैसे जाते आते हैं? हिल के जाते हैं, कमर भर पानी होता है, एक कपड़ा इधर से गमछा पहन के जाते हैं, उधर जाकर के कपड़ा पहन के। कहाँ कहाँ आवेदन? ये आवेदन इसके लिए मैं वीडियो को दिया, अनुमंडल पदाधिकारी को दिया, जिला समाहर्ता को दिया, मुख्यमंत्री को दिया, लेकिन अभी तक के कोई सुनवाई नहीं होता। आप लोग मीडिया वाले मीडिया वाले से पब्लिक से अनुरोध है कि हमको